ओए आज मेरी बिल्लो नू लड़का देखने आ रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा मतलब है कर सकता। आयो रब्बा कोई तो रोक लो। और चौधरी साहब थोड़ी शर्म रखें, वो ऐसी बेहुदा हरकतें ना किया करें। वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। ओ वेलकम जी। ओए फिटे मुंह, वो चौधरी साहब वो आपको कितनी बार समझाया है, वो चौधरी हो चौधरियों की तरह हरकतें किया करें, लेकिन आपको समझाना कि भैंस के आगे बीन बजाना एक ही बात है। ओ बबली मनु माफ टैग करते। ठीक है माफ कर दिया, डोंट माइंड। आई टू डोंट हैव माइंड। ओए कमाल हो की कर रहा है तू, से गल कर रहे हो इतने बैठे बैठे। पाजी तुसी बैठो ते सही। ओ बैठ तो जाऊंगा, लेकिन की होया वो लोग आए नहीं अभी तक, और नाश्ता भी बड़ा बड़ा ठंडा हो गया। मैं भी क्या, मैं भी ठंडी, मेरा मतलब है कि मैं भी यही सोच रही थी कि बड़ा बड़ा नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। और हेलो, हाजी असि तो थोड़ा ही वेट कर रहे जी। है क्यों होया? अच्छा ठीक है जी, ठीक है। हाय मैं मर गई। की होया चौधरी साहब? की होया प्राजी? और लोग नहीं आ रहे। क्या बुड्ढा किसी और लड़की से प्यार करता था, उसके साथ भाग गया। ये ऊपर वाले, वो मेरी बहन की किस्मत में कोई लड़का लिखा भी है तूने कि नहीं? मैं हूं ना, तेरी भाभी को भी बताता हूं मैं। ओ मनोरमा, ओए ऐसा नहीं हो सकता। ओए मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, और मेरी बहन के साथ बड़ा गलत सा काम किया तुम लोगों ने, और सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि कमल चौधरी का पंजा और एक बार जहां पड़ता है और 5 किलो मांस निकाल देता है वहां से। लो जी उठिए, और चौधरी साहब 5 रुपए के पटाखे की आवाज तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चले हैं 5 किलो मांस निकालने। ओ एक काम कीजिए, चलिए अपने कमरे में और सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठ जाइए। एक पटाखे की आवाज से तो आपकी टें हो गई, दूजा फूटेगा तो पता नहीं क्या होगा। नहीं बबली, और ऐसी कोई बात नहीं है, है? और मैं जैसे ही चलने लगा ना तो फ्रेश जो है वो बड़ा स्लिपरी टाइप है, और तुझे तो पता है, देख स्लिपरी लग रहा है ना एकदम, देख बिल्कुल स्लिपरी है, और मैं स्लिप हो गया था, और तुझे तो पता ही। ओए कितने स्लिप हो गई और बबली? ना जी ना, जब आप ही कमजोर पड़ गए तो हमारा की होगा। मुझसे बिल्लो की हालत नहीं देखी जाती मनोरमा, उस बेचारे पे बहुत जुल्म हुआ है। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें कहाँ पता था कि वो अनुराग हमारे साथ ऐसी हरकत कर बैठेगा? हमें पता करना चाहिए था मनोरमा, हमने 6 साल यूं ही गुजार दी। बिल्लो की आंखों में अकेलेपन का दुख देखने के बाद भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे हमें मालूम करना चाहिए था कि अनुराग के दिल में क्या है। अरे मैं इस परिवार का बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं अपने परिवार का ध्यान रखूं, लेकिन मैं अपनी बहन का फर्ज भी नहीं निभा पाया। ऐसा मत सोचिए, शायद बिल्लो की किस्मत में अनुराग का साथ नहीं लिखा था। पता नहीं ऊपर वाला मेरी बहन के साथ क्या खेल खेल रहा है। आप लोग मुझे अकेला छोड़ दे। ऐसा नहीं बोलते बिल्लो। पर जाई मेरी बात तो सुनो, जब बिल्लो की किस्मत अकेले रहना ही लिख गए तो अकेली सही। ऐसा नहीं करते, वो रब है ना, वो तेरी परीक्षा ले रहा है, और रब जब परीक्षा लेता है ना
तो फल भी मीठा देता है। रब पे भरोसा कर मेरी बच्ची, रब पे भरोसा कर। लो चौधराइन बिल्कुल ठीक कह रही है बिल्लो, और तुसी ना सबर करो बस। वो मनोज अनुराग ना तेरे लायक ही नहीं था, और तुझे ना, तुझे तो कोई बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, डाकू विक्रांत से भी अच्छा, वो बबलू जैसा। हाँ, बबली तू मुझे झूठी उम्मीदें ना दे। जब बिल्लो की किस्मत पे अकेले रहना लिखा है तो उसे अकेले रहना पड़ेगा। अरे चुप कर बिल्लो, चुप कर। हाँ, रब पे भरोसा रख। मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कोई इस कुवारी पर भी तो नजर डालो। तो चुप करो ओए, बड़े शौक हो रहे हैं तेरे को है अंडर 20 खेलने के। मेरे बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है। और ना बिल्लू, ना ऐसे रोते नहीं है बिल्लू। हाँ ऐसा ना किया कर यार, सब कुछ हिल जाता है मेरा। क्या दी हिल जाता है मेरा, तुझे रोता है एक कर। रोते नहीं बिल्लू, बस बस बस